अस्सलाम वालेकुम, लेट्स जस्ट वेट फॉर मोर स्टूडेंट्स टू जॉइन बिफोर स्टार्टिंग। प्लीज़ अपना रोल नंबर लिख दीजिएगा चैट में। Please ask your classmates to join as soon as possible. Okay, there are just 13 students in the class right now. मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आई गेस जब ज्वाइन करेंगे तब ज्वाइन कर लेंगे। प्लीज अपने रोल नंबर लिख दीजिएगा चैट पर। ओके, आज की जो लैब है दैट्स लैब नंबर 11। टोटल 13 लैब्स हैं, तो इसके बाद दो और लैब्स रहती हैं। आज की लैब है पेंडुलम। ओके, क्या आप लोगों को पता है कि पेंडुलम जो कॉन्स्टेंटली स्विंग करता है बैक एंड फोर्थ, वो क्यों करता है?
Can you hear me? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Hello. Yes, ma'am. आ रही है आवाज. Can anyone please reply? Yes, ma'am. Okay. ओके, पेंडुलम जो कॉन्स्टेंटली बैक एंड फोर्थ मूव करता है वो क्यों करता है? ओके, एक तो ये कि पेंडुलम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो बिल्कुल सेंटर में होता है. पेंडुलम को एक्चुअली ट्यून किया जाता है ताकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल सेंटर में हो. अच्छा, हर फोर्स की एक ऑपोजिंग फोर्स होती है. तो जब पेंडुलम ऊपर जाता है तब दैट इज बिकॉज ऑफ लाइक आपने फर्स्ट करने एक पुश दे दिया, उसके बाद वो थोड़ी देर तक आगे पीछे जाएगा, राइट? उसके बाद वो वापस नीचे किस वजह से आता है? इधर तो ये इसलिए गया क्योंकि लेट्स जस्ट से जब ये इधर था तब आपने इस पर फोर्स लगा दिया, आपने इसको लाइक हाथ से पुश कर दिया फॉर एग्जांपल. तो ये इसलिए ये जो है वो मूव होते हुए उस तरफ चला गया. ये वापस नीचे क्यों आता है? मैम, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से. जी, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से. Restoring force in the case of pendulum क्या होगी? Like अगर एक pendulum है, simple मैंने एक धागा लिया है, उसको एक जगह से tie कर दिया है, let's just say दीवार पे कील से tie कर दिया है और उस पर आगे से एक ball लगा दी है, सही है? तो उस पर अगर मैं उसको हिलाती हूँ और वो वापस आता है, वो रिस्टोरिंग फोर्स से वापस आएगा. यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट व्हाट इज दैट रिस्टोरिंग फोर्स? जस्ट फ्रिक्शन. जी, फ्रिक्शन फोर्स तो नहीं होगी ना? आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है. कह रहा हूं फ्रिक्शन फोर्स तो नहीं होगी ना? नहीं, फ्रिक्शन नहीं होगी. मैम, ग्रेविटी. या ग्रेविटी आपके पास अर्थ की जो ग्रेविटी है उसका पुल होता है जो अपने पास खींचता है. मैंने पहले एक लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि फॉर एग्जांपल अगर आप चांद पे जाएंगे तो चांद की ग्रेविटी इज़ आई थिंक 1.6 टाइम्स लेस देन दैट ऑफ अर्थ. जब भी अगर आप वो जो मून लैंडिंग की अगर आप वीडियोस देखें तो उसमें एस्ट्रोनॉट्स बकायदा बाउंस कर रहे होते हैं, लाइक वो लिटरली कदम नहीं ले रहे होते, वो बाउंस करते हुए आगे जा रहे होते हैं. दैट इज बिकॉज उनको जितनी फोर्स लगाने की आदत है एक कदम लेने के लिए उनको उतनी फोर्स नहीं लगानी पड़ रही है. दैट इज मोर देन इनफ टू जंप इन ऑन द मून. मून की ग्रेविटी अर्थ से कम है, आई थिंक इट्स 1.6 टाइम्स लेस और समथिंग लाइक दैट, सही है? अर्थ की जो ग्रेविटी है, अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल जो है उसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जिसको आप कहते हैं जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है इसको आप इलैबोरेट कर सकते हैं, व्हाट डज दैट मीन? Basically, what this means is कि अगर आप एक किसी चीज़ को गिराते हैं किसी हाइट से, लाइक जिससे एक मीटर की हाइट से गिराते हैं, बाय इधर से जब ये स्टार्ट होगी तो इसकी वेलोसिटी होगी ज़ीरो और बाय द टाइम ये इस एक मीटर के डिस्टेंस को कवर कर लेगी तब इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड. वेलोसिटी, सही है? अगर ये एक और मीटर
अगर मैं इसको एक अगर ये कंटिन्यू करता जाए गिरना, तो अगले मीटर पे ये हो जाएगी 9.8 से इसने स्टार्ट किया, लेट्स अज्यूमिंग कि ये एक 1 मीटर ट्रेवल कर रही है 1 सेकंड में, सही है ना, तो अगले 1 सेकंड बाद इस लाइक 1 मीटर कवर करने के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 2 व्हिच इज 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है 19.6 मीटर पर सेकंड, सही है। तो इस पॉइंट पे जब ये पहुंचेगी 2 मीटर्स ट्रेवल करने के बाद, तो दैट वुड बी 19.6 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब ये है कि ये इंक्रीज हो रही है विद दिस इंक्रीमेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 15 फुट से नीचे फेंकेंगे, अगर लेट्स जस्ट से 15 मीटर से नीचे कोई चीज़ फेंकेंगे तो वो 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से नीचे गिरेगी। बाय द टाइम वो नीचे गिरेगी उसकी वेलोसिटी, अगर वो 15 मीटर ट्रेवल कर रही है तो दैट वुड बी 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 15, सही है। उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी, सही है। दिस इज एन इंक्रीज इन वेलोसिटी, दिस इज नॉट अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, दिस इज अ इंक्रीज इन वेलोसिटी, दिस इज नॉट अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, दिस इज एक्सेलरेशन। जैसे आप गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं, गाड़ी को एक्सेलरेट करने का मतलब ये है ना कि आप उसकी स्पीड बढ़ा रहे हैं बेसिकली, राइट, ओके। दैट बीइंग सेड, अच्छा आप जब किसी भी दुनिया की हर चीज की एवरीथिंग हैज अ रीस्टोरिंग थिंग, समथिंग दैट बैलेंसेज इट आउट। इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन होता है, व्हाट एल्स, कोई भी आपके पास फोर्स होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स है तो उसके अगेंस्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी। इनफैक्ट आपके पास जो मैटर है, लाइक दैट मेक्स अप एवरीथिंग दैट यू सी, राइट, मैटर का भी, मैटर की भी ऑपोजिंग फोर्स होगी विच इज कॉल्ड एंटी मैटर, दैट हैज नॉट बीन डिस्कवर्ड येट, बट इट इज अ फिजिक्स थ्योरी के एंटी मैटर शुड एग्जिस्ट जस्ट ताकि यूनिवर्स में बैलेंस हो, सही है ना। तो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स हैज अ बैलेंस, सही है। आप जब भी किसी चीज पे कोई फोर्स लगाते हैं, हमें पता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन। आप जितनी फोर्स लगाएंगे उतनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी बॉडी में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैंने बताया था एक क्लास में कि उसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब लगता है तो एक कॉन्स्टेंट आता है। फॉर द केस ऑफ फोर्स इट्स मास, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, सही है। आप जब पेंडुलम की बात करते हैं, लेट्स जस्ट से आपने कील लगाई हुई, एक कील पे आपने धागा बांध के बॉल बांधी लिया, सही है ना। तब आप जब इस पे फोर्स लगाते हैं, इसकी एक रीस्टोरिंग फोर्स होगी, रीस्टोरिंग फोर्स वुड बी माइनस, बिकॉज वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, रिमेंबर दिस इज कमिंग बैक, राइट, तो ये माइनस होगी और इसमें आपके पास रीस्टोरिंग फोर्स जो होगी उसमें एक्सेलरेशन आपके पास ग्रेविटी प्रोवाइड करेगी, बिकॉज आपने एक दफ़ा फोर्स लगा दिया, आपने अपने हाथ से जो उसको धक्का दिया वो आपने एक दफ़ा फोर्स लगा दी, दैट इज़ डन, दैट इज़ ग्रेट, ओके। मूविंग ऑन, जब आपके पास रीस्टोरिंग फोर्स आएगी, जो आपके पास रीस्टोरिंग फोर्स आएगी वो आपको ग्रेविटी प्रोवाइड करेगी, राइट, ग्रेविटी जो आपको प्रोवाइड करेगी दैट वुड डिपेंड ऑन कि आपने कितनी फोर्स लगाई है। आप जितनी फोर्स लगाएंगे उतनी ही समझ लें ग्रेविटी भी उसको पुल प्रोवाइड करेगी जस्ट टू बैलेंस इट आउट। बट ये जो जी है, आपके पास एक्सेलरेशन है, ये आपके पास क्या नाम है, ये आपके पास, ये इससे आप बैलेंस आउट किस तरह से करेंगे, मास तो आपके पास कांस्टेंट है, आप जब ये वाली फोर्स इनिशियली लगाएंगे तब ये जितनी ज़्यादा ये फोर्स होगी उतना ज़्यादा ये ऊपर जाएगा पेंडुलम का मास, राइट, पेंडुलम उतना ज़्यादा ऊपर जाएगा, ये एक्सेलरेशन है। तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स होगी ये पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से बढ़ेगी,
राइट, तो ये भी इस तरह ये इस डायरेक्शन में, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये उतनी ही ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा क्योंकि जी जो है वो बेसिकली उसको एक्सेलरेट करके आगे लेके जा रहा है. सही है, ये समझ आ गया आप लोगों को? यस मिस. ओके, अच्छा आपके पास पेंडुलम जो है वो पेंडुलम बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है टू मेजर के आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है कितनी. इट इज अ कांस्टेंट इन एवरी सिंगल मैथमेटिकल या फिजिक्स की कैलकुलेशन आप जो भी करेंगे उसमें जी विल ऑलवेज बी अ कांस्टेंट. सही है, एज लॉन्ग एज इट्स डिफाइंड एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी विल ऑलवेज बी अ कॉन्स्टेंट. बट किसी ना किसी ने तो डिस्कवर किया होगा, राइट? समवन हैड टू फिगर इट आउट के यार ये जी भी कोई चीज़ है, कोई एक्सेलरेशन, लाइक ये कोई पुल आ रही है. न्यूटन के ऊपर अगर शेप गिरा था तो देयर वाज अ रीजन के उसने फिर ही इन्वेस्टिगेटेड इट, राइट? तो दिस इज वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स जो आप यूज कर सकते हैं टू फाइंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. अच्छा, जनरली स्पीकिंग आपके पास अर्थ की सरफेस पे जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है. सही है, लेकिन एज यू इंक्रीज योर हाइट आपके पास जी की वैल्यू चेंज हो सकती है. सही है ना, हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, बट वो इतने ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ फीट है कि वो यू लाइक व्हाटएवर, चाहे आप किसी भी ऊंची बिल्डिंग में आप कोई एक्सपेरिमेंट कर लें, यू वुड प्रोबेबली रन आउट ऑफ ऑक्सीजन फास्टर देन लाइक आप उस हाइट पे पहुंचने से पहले आपके पास ऑक्सीजन ही खत्म हो जाएगी, तो आप रह ही नहीं सकते उस हाइट पे. सही है ना, इनफैक्ट फ्यू थाउजेंड ऑफ फीट पे तो जी की वैल्यू सेम ही होती है. एयरप्लेन्स जो फ्लाई करते हैं, एयरप्लेन्स 36,000 फीट पे फ्लाई करते हैं, ज्यादातर डोमेस्टिक एयरप्लेन्स जो होते हैं. अच्छा, आपके पास जी की वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है, बट दिस एक्सपेरिमेंट इज टू फाइंड योर वैल्यू ऑफ जी. सही है, जी की वैल्यू आपकी डिपेंड करेगी कि कितना टाइम पीरियड लग रहा है एक साइकिल कंप्लीट करने में. साइकिल का मतलब है यहाँ से अगर स्टार्ट कर रहा, जनरली स्पीकिंग आप साइकिल यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ गया रीस्टोरिंग फोर्स और फिर वापस आया सेंटर पोजीशन पे, दिस इज डिफाइंड एज वन साइकिल. सही है, ये आपके पास कितना टाइम लगा इसको कंप्लीट करने में, और आपके पास जो भी लेंथ है आपकी जिससे आपका पेंडुलम टाइट है उस पे. व्हाई दिस? बिकॉज नेचुरली स्पीकिंग अगर आप जरा इमेजिन करें, आपने धागा बांधा हुआ है रस्सी पे और उस पे आपने छोटी बॉल बांधी हुई है, जितनी बड़ी वो बॉल हो, जितनी जितना बड़ा वो धागा होगा उतनी ज्यादा मूवमेंट होगी, जितना छोटा धागा होगा उतनी कम मूवमेंट होगी, राइट? दैट इज अ लाइक एन इंट्यूटिव थिंग, राइट? अच्छा, आपके पास कितना टाइम पीरियड लगता है इसको रिकवर करने में, दैट इज फाउंड बाय अगेन डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास लेंथ कितनी है. जितनी बड़ी लेंथ होगी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा. सही है, दैट मीन्स उतनी ज़्यादा मूवमेंट होगी. सही है, एंड इट इज एंड द रीस्टोरिंग फोर्स इन दिस केस इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. तो आप किसी फॉर्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं जी. सही है, आप बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों के पास एक पेंडुलम होगा, आप यू बेसिकली जस्ट हैव टू मेजर इट्स लेंथ. अच्छा, ये आल्सो डिपेंड, ये डिपेंड करता है मास पे भी, जो आपने मास लगाया हुआ है उस पे भी डिपेंड करता है, बट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती है उस पे. जो आपने टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है, बट वो भी इनडायरेक्टली करता है, तो इसलिए वो फॉर्मूले में काउंटेड नहीं है. आपके पास कितना टाइम लग रहा है कंप्लीट करने में एक एक साइकिल, विच इज इधर सेंटर पॉइंट से एक्सट्रीम मैक्सिमा पे जाना, उसके बाद दोबारा से
दूसरे मैक्सिमा पे जाना और फिर वापस सेंटर में आना. दिस इज कॉल्ड योर वन साइकिल. इसको कंप्लीट करने में कितनी देर लगती है? दिस एंड अलोंग विद योर द लेंथ ऑफ योर स्ट्रिंग जो आपने टाई किया हुआ है, सही है, इसको आप यूज करेंगे टू फाइंड योर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. सही है, आप जो वैल्यूज फाइंड करेंगे, लाइक आई सेड, ये डिपेंड करती है मास पे भी और आपके पास जो लेंथ है और टाइम है. सही है, लेंथ आपके पास कॉन्स्टेंट लेंथ का मतलब ये है कि आप डिफरेंट मास यूज करेंगे. जो आपके पास बॉब है पेंडुलम का, उसके आप डिफरेंट मासेज यूज करेंगे लेकिन लेंथ आपके पास कॉन्स्टेंट होगी, जो बेसिकली स्ट्रिंग होगा जिससे आपने टाई किया हुआ होगा. एक होगा आपके पास कॉन्स्टेंट मास, उसमें आपके पास पेंडुलम की आप लोग लेंथ वेरी करेंगे लेकिन आप लोगों के पास मास जो आप लोग लगाएंगे लाइक स्ट्रिंग के साथ वो कॉन्स्टेंट होगा. और कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड का मतलब ये है कि आप लोग जो आप लोगों का जो मोशन होगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो आप लोग कवर कर सकते हैं, कवर कर रहे होंगे, बेसिकली सेंटर पॉइंट से मैक्सिमम आप लोग जितना जा रहे होंगे वो आपके पास कांस्टेंट रखेंगे एंड देन यू विल फाइंड. अगेन फॉर्मूला सेम यूज होगा बट आप लोग जो डिफरेंट चीज़ें कांस्टेंट रख के आप लोग निकालेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू. आप लोग जो निकालेंगे बिकॉज यू आर बेस्ड इन कराची, तो आप लोग जो जी की वैल्यू निकालेंगे वो कराची में निकालेंगे. एक तो ये कि नोटिस दैट दिस इज सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सही है, तो सेंटीमीटर इज डिफरेंट देन मीटर. 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. सही है, तो बी केयरफुल ऑफ दैट. सही है, इसके अलावा आपके पास जो वैल्यू आएगी हो सकता है वो 9.9 आए, हो सकता है वो 9.7 आए, हो सकता है वो 10 आए. दैट इज फ्रॉम ह्यूमन एरर. हमने जो फर्स्ट लैब की थी हमने देखा था ह्यूमन एरर्स आर अ थिंग, राइट. सो जो बहुत ही कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनमें आपके पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगी. बट आपके पास यू मे गेट एनीवेयर फ्रॉम 9.6 टू प्रोबेबली 10. आई थिंक दैट वुड बी अ रीजनेबल एरर मार्जिन कंसीडरिंग दैट यू आर अंडरग्रेड स्टूडेंट्स. सही है, तो ये लैब आप लोग ऑफकोर्स परफॉर्म करेंगे जब आप लोग नेक्स्ट टाइम जाएंगे. Any questions? Any questions? Please mark your attendance in the chat. Okay, ma'am.
आप लोगों के कोई सवाल हैं तो प्लीज आस्क, वरना वी कैन जस्ट एंड द सेशन. आप लोगों को समझ आ गया है? यस मैम. यस मैम. इस लैब की जो फाइल है वो आप ग्रुप पे फॉरवर्ड कर देंगे, क्योंकि हमारे मैनुअल असल में वहाँ जमा है, तो दरअसल लैब से पहले थोड़ा रिव्यू कर लेंगे, इस वजह से बोल रहा था. मैनुअल्स का आपको सर सिराज ही ज़्यादा सही से बता सकते हैं, मुझे इतना आइडिया नहीं है. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम टेकिंग अ लैब एंड मेनली अ थ्योरी टीचर. नहीं मैम, मैं कह रहा था कि जो मतलब आपने अभी जो लैब एक्सप्लेन करी उसकी जो वर्ड की फाइल है वो आप ग्रुप पर फॉरवर्ड कर दें, मैं ये कह रहा था. पेंडुलम वाले की? या पेंडुलम वाले की सर जी? जी पेंडुलम वाले की बात कर रहा हूं. ओके, मैं या तो ग्रुप पे आपको सेंड कर दूं या मैं एलएमएस पे अपलोड कर देती हूं. एलएमएस पे आई थिंक आते लोगों को विजिबल होगा, बट मैं ग्रुप पे सेंड कर देती हूं. थैंक यू मैम. ओके, मैंने ग्रुप पे सेंड कर दिया. इफ नो वन हैज एनी क्वेश्चंस वी कैन जस्ट एंड द सेशन. आई होप आप सब ने अपनी अटेंडेंस लगा दी है चैट पर. Okay, I'm going to end the session. Thank you. Allah Hafiz.